नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक विधि में। आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों वाली भिंडी की सब्जी। तो चलिए फिर बिना देर किए सब्जी बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले भिंडी को बढ़िया से धो करके पोंछ कर सुखा लेंगे। अब भिंडी के दोनों साइड को इस तरह से काट करके निकाल देंगे। अब भिंडी को बीच में इस तरह से चीरेंगे। भिंडी को लगभग हम 2 इंच के टुकड़ा में कट करेंगे, यानी एक भिंडी को हम 3 टुकड़ा कर लेंगे। बाकी के सारे भिंडी को इसी तरह से काट करके रख लेंगे। तो चलिए अब हम मसाला तैयार करते हैं। अब लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से कट करके, 10-15 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्च सभी को एक साथ पीस लेंगे। अब लेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों। सरसों को हम अलग में पीस करके रख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर भिंडी को काट करके रख लिए हैं। तो चलिए अब हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे 3 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च इस तरह से लंबा लंबा काट करके और 1 चम्मच पचफोरना। आप अगर इस ये सब नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बिना भी आप भिंडी को फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें भिंडी को डाल देंगे। डाल करके हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 4 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट करके और इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब हम भिंडी को 5 मिनट तक भूनेंगे। बीच बीच में हम भिंडी को चलाते रहेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, भिंडी का कलर चेंज हो गया है। इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, भिंडी को हमें हरा ही रखना है। तो देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ, भिंडी बढ़िया से भून गया है। अब इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 चुटकी जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। ध्यान दें अभी हम सरसों का यूज नहीं करेंगे और इसको बढ़िया से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसाला डाल करके इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको 3 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए मसाला को भूनेंगे। तो देखिए मसाला से तेल अलग होने लगा है। तो अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालकर इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। भिंडी डालकर भिंडी को मसाला के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों डालकर इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। सरसों डालने के बाद सब्जी को हमें नहीं भूनना है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें 2 कटोरा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और साइड से मसाला पोंछ करके बीच में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसे उबलने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। अब इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसे ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल करके 1 कटोरा में रख लेते हैं। आप इसे रोटी चावल के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आप सभी भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।